हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ और फिर से स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। तो यार, होंडा कंपनी कल होंडा की न्यू 100cc की बाइक लॉन्च करने जा रही है और इसके रिलेटेड उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी शेयर किया है। यहाँ पर एक फ़ोटो शेयर किया है और इस फोटो से कुछ डिटेल समझ में आ रही है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अपकमिंग होंडा की इस 100cc की बाइक में क्या आपको देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये कल कितने बजे लॉन्च की जाएगी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो यार, सबसे पहले तो लॉन्च के बारे में बात कर लेते हैं कि लॉन्च कहाँ पर होगी, कितने बजे लॉन्च होगी। तो होंडा कंपनी इस बाइक को होंडा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च करने वाली है। इससे मतलब लाइव लॉन्च किया जाएगा और 11:30 बजे सुबह 11:30 बजे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये जो पोस्ट है इंस्टाग्राम पर होंडा कंपनी ने ऑफिशियली शेयर करी है। तो कल 11:30 बजे आपको बाइक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक फ़ोटो शेयर करी है होंडा कंपनी ने, जिससे कुछ इसकी जो डिटेल बाइक की वो निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये, इस बाइक में आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो फोटो शेयर करी है होंडा कंपनी ने, सिर्फ ड्रम ब्रेक में शेयर करी है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ये जो बाइक है 100cc की, ये सिर्फ आपको ड्रम ब्रेक में ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्रंट में यहाँ पे जो इसकी हेडलाइट है, उससे समझ में आ रहा है इसकी जो हेडलाइट है वो आपको हेलोजन ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो हेडलाइट है काफ़ी हद तक होंडा की लीवो से मैच कर रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो इसकी हेडलाइट है वो आपको हेलोजन टाइप ही देखने को मिलेगी। और जो इंडिकेटर है वो तो क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि बल्ब टाइप इंडिकेटर है, जो कि यार होंडा साइन में, एसपी में, सब में सेम यूज किए जाते हैं। तो सेम बल्ब टाइप इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा बात करूं मैं डिज़ाइन के बारे में और ग्राफिक्स के बारे में, तो यार मुझे ये लग रहा है ये जो बाइक है काफ़ी हद तक होंडा की CD110 के जैसी है। यहाँ पे फोटोज़ में आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्राफिक्स है काफ़ी हद तक होंडा की CD110 से मैच कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों यार, मेरे को ये लग रहा है ये जो बाइक है होंडा CD110 जैसी ही होने वाली है। बस इसके अंदर जो इंजन है वो आपको 100cc का देखने को मिल जाएगा, बाकी जो चीज़ है इसके अंदर CD110 के जैसी देखने को मिल सकती है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि यार होंडा कुछ नया करेगी, कुछ नया डिज़ाइन लाएगी। बाकी फ़ोटोज़ में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो बाइक है CD110 से इंस्पायर है। बाकी आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको बाइक देखने में कैसी लग रही है, CD110 के जैसी लग रही है या फिर नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बात करें यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में कि इस बाइक में मीटर कंसोल कौन सा दिया जाएगा। तो देखो यार, होंडा कंपनी भी होंडा लीवो में सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देती है, जिसमें छोटी सी डिस्प्ले आती है। उसमें आपको यहाँ पर ट्रिप ए जैसे फीचर और फ्यूल गेज वगैरह डिजिटल में देखने को मिल जाते हैं। बाकी स्पीड वगैरह आपको यहाँ पर एनालॉग में देखने को मिलती है। इसके अलावा CD110 में जो मीटर कंसोल है वो फुली एनालॉग है, उसमें स्पीड और पेट्रोल दोनों आपको एनालॉग में देखने को मिलता है। तो यार, जहाँ तक मेरे को लग रहा है होंडा कंपनी इसमें सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ही देगी, क्योंकि यार स्प्लेंडर में भी अभी फुली डिजिटल मीटर कंसोल आता है। तो यहाँ पे होंडा कंपनी कम से कम इसमें सेमी डिजिटल मीटर कंसोल तो देगी, जो कि यार अपने को जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह अच्छे से दे पाए। बाकी आप भी बता सकते हो कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि डिजिटल मीटर कंसोल रहेगा या फिर एनालॉग मीटर कंसोल। एंड में यहाँ पे बात करते हैं प्राइस के बारे में कि जो बाइक है कितने की आएगी, इसकी प्राइस वगैरह कितनी क्या रहेगी। तो जो बाइक है बिल्कुल देखने में तो बेसिक लग रही है, इतनी कोई खास मेरे को देखने में नहीं लग रही। तो यहाँ पे जो प्राइस वगैरह अप्रोक्स इसकी जो एक शोरूम प्राइस रहेगी 70,000 के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइस रहेगी, 70,000 के अराउंड इसकी एक शोरूम डेली प्राइस रहेगी। ऑन रोड की बात करें तो अप्रोक्स 82,000 से लेकर 85,000, 22,000 से लेकर 25,000 के समथिंग में इसकी ऑन रोड प्राइस रह सकती है। इतने में ये जो बाइक है वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, आपके हिसाब से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यार बस ये तक छोटा सा वीडियो होंडा की 100cc बाइक के बारे में। और कल जैसे ये बाइक लॉन्च होती है मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो प्रॉपर लेके आ जाऊँगा। इस बाइक के बारे में जो भी डिटेल है, पूरी की पूरी डिटेल कल आपको 11:30 बजे लॉन्च इवेंट के बाद वीडियो में देखने को मिल जाएगी। कल लॉन्च के बाद मैं हाथों हाथ ही आपके लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मेरे को कोई भी बात करनी हो तो आप इंस्टा पे मेरे से कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।